तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से जनरल टिकट बुक कर सकते हो। तो जनरल टिकट को अनरिजर्व टिकट भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको चालू टिकट भी कहते हैं। तो जनरल टिकट बुक करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जा करके लंबी लाइन में लग करके बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। इसके लिए रेलवे की तरफ से एक अलग ऐप आता है, उसका नाम है UTS। बाकी अगर आप रिजर्वेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए सेपरेट ऐप है, वो IRCTC ऐप होता है। IRCTC ऐप से कैसे ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग करानी है, अर्थात रिजर्वेशन करानी है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो जनरल टिकट बुक करने से पहले आपको ट्रेन का टाइम टेबल पता कर लेना है, अर्थात किस ट्रेन में आप जर्नी करने वाले हो, वो किस टाइप का ट्रेन है, किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो। इसके लिए आप एक सेपरेट ऐप इंस्टॉल कर लोगे, उसका नाम है वेयर इज माई ट्रेन। इस ट्रेन में आप किसी भी ट्रेन का लाइव लोकेशन भी देख सकते हो, उसका टाइम टेबल तो पता चल ही जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन। तो ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, वेयर इज माई ट्रेन। इस ऐप को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐप को इंस्टॉल करके सिंपली ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे जिस भी स्टेशन से आप बोर्डिंग करके जहाँ तक जाना चाहते हो वो दोनों स्टेशन का नाम आप टाइप कर दोगे। यहाँ पे मैं मान लो उदाहरण के लिए अलवा से खैरतल एक स्टेशन है, वहाँ तक जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों स्टेशन का नाम टाइप कर दूंगा और फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ट्रेन्स का कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है जो कि अलवा से खैरतल जाती है। मैंने उदाहरण के लिए दो स्टेशन डाला है, बोर्डिंग स्टेशन अलवा है और डेस्टिनेशन स्टेशन मेरे लिए खैरतल है। तो यहाँ पे मैंने दो स्टेशन को टाइप कर दिया है। यहाँ पे मुझे कंप्लीट जानकारी मिल जाती है कि कौन सा ट्रेन नंबर है, ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन की टाइमिंग क्या है और ट्रेन हफ्ते के किस किस दिन चलती है। यहाँ पे आपको ट्रेन के नाम के आगे एक्सप्रेस या फिर SF एक्सप्रेस लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से ही आपको ट्रेन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ट्रेन एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। ये जानकारी यहाँ से आपको निकाल लेना है क्योंकि ये आगे काम आने वाला है बुकिंग के दौरान। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ट्रेन है पूजा SF एक्सप्रेस, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। बाकी जो ऊपर ट्रेन है ये गरीब नवाज एक्सप्रेस, ये केवल एक्सप्रेस ट्रेन है। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से निकाल लेना है। यहाँ से आपको डे देख लेना है और टाइम देख लेना है। तो मान लो इस ट्रेन में मैं जर्नी करना चाहता हूँ जो कि 4:23 PM पे खुलती है अलवर से और 4:43 पे पहुँच जाती है खैरतल, जो मैंने स्टेशन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से आपको ट्रेन देख लेना है और ये भी ध्यान से देख लेना है कि वो एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। उसके बाद आपको एक अलग से ऐप इंस्टॉल करना होता है बुकिंग के लिए, जो कि रेलवे की तरफ से आता है, उसका नाम है UTS। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है UTS। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च कर देना है, आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये रेलवे का ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 4.4 और 1 करोड़ से ज़्यादा इसके डाउनलोड भी है। तो मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐप को इंस्टॉल करके सिंपली ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये ऐप आपसे लोकेशन का परमिशन मांगता है, सिंपली आपको अलाउ कर देना है, अर्थात ये GPS का एक्सेस मांगता है, आपको अलाउ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऊपर में यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन मिलता है, इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद लॉगिन का पेज ओपन होता है। तो चूंकि अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको रजिस्टर का बटन मिलता है, डोंट हैव एन अकाउंट, नीचे रजिस्टर का बटन है, इस पर टैप कर देना है। रजिस्टर पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और आपको एक पासवर्ड भी सेट कर लेना है और सेम पासवर्ड को इंटर करके कंफर्म करना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के हिसाब से और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का OTP आएगा, वो OTP आप इंटर करके सबमिट करोगे और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड चाहिए होता है लॉगिन करने के लिए, जो कि यहाँ पे आप सेट करते हो। मोबाइल नंबर आपका होगा और यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करते हो। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करके। मोबाइल नंबर पासवर्ड इंटर कर दिया है, लॉगिन पे टैप करना है। इस तरह से आप इस ऐप में रजिस्टर करके लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बुकिंग करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो, अपना बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हो, कब कब आपने बुकिंग किया है
और बुकिंग करने के बाद ट्रेन में अगर आपको टीटी दिखता है या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर टीटी दिखता है तो आप यहां से शो टिकट पर टैप करके टिकट को शो कर सकते हो टीटी को। इसके अलावा आर वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, रेलवे वॉलेट। तो इस वॉलेट में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हो और इस वॉलेट वाले पैसे को आप यूज़ करोगे ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए। इसके अलावा वॉलेट में पैसे ऐड नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आप ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान पेमेंट UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऐसी चीज़ों से भी कर सकते हो। वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए आपको अपना एक ID कार्ड सबमिट करना होता है, अर्थात आपको अपना ID प्रूफ नंबर डालना होता है। इसके लिए आप प्रोफाइल पर टैप करोगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे गवर्नमेंट इशूड कार्ड, आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दोगे उस ID कार्ड का, जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे और प्रोसीड करके ID कार्ड डिटेल डाल सकते हो। और ID कार्ड डिटेल डालने के बाद ही आप अपने आर वॉलेट में पैसे रख सकते हो बुकिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ से आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं बुकिंग कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको नॉर्मल बुकिंग करना है या फिर प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग करना है। तो मुझे नॉर्मल बुकिंग करना है जर्नी के लिए, तो नॉर्मल पे सेलेक्ट करके रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल बुकिंग में दो ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन मिलता है बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस और दूसरा ऑप्शन मिलता है बुक एंड प्रिंट पेपर। अर्थात यहाँ से अगर आप बुकिंग करते हो तो बुकिंग करने के बाद आपको टिकट प्रिंट भी करना होगा स्टेशन पे ही। स्टेशन पे टिकट प्रिंटिंग मशीन होता है, यहाँ से आप मोबाइल से बुक कर लोगे टिकट को, फिर स्टेशन पे जाकर के जो प्रिंटिंग मशीन है वहाँ से आपको फिजिकल टिकट निकाल लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप बुक एंड प्रिंट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको बुकिंग करने के बाद टिकट का प्रिंट निकालना होगा। इसके अलावा इस टिकट को आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, अर्थात आप रेलवे स्टेशन पे हो तो भी बुक कर सकते हो, लेकिन आपको प्रिंट निकालना होता है। इसके अलावा इस टाइप की टिकट को आप बुक करने के बाद कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन आपको कैंसिल टिकट प्रिंट करने से पहले करना होता है अगर करना चाहो तो। अगर टिकट का प्रिंट निकाल लेते हो तब आप कैंसिल नहीं कर सकते हो और आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी लिखा हुआ है कि बुक एंड प्रिंट वाले ऑप्शन से अगर आप बुकिंग करते हो तो आपके पास प्रिंटेड टिकट होना ज़रूरी है, जो कि आप रेलवे स्टेशन पर जाके प्रिंटिंग मशीन से निकालोगे। इसके बिना टिकट एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो अगर आप मशीन से प्रिंटेड टिकट निकालने का झमेला नहीं चाहते हो, केवल ऑनलाइन ही आप अपने मोबाइल में टिकट शो करना चाहते हो टीटी को, तो यहाँ से आप पहला ऑप्शन चूज करोगे बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस। लेकिन इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आप टिकट को कैंसिल करोगे तो कैंसिल नहीं हो सकता है, कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इस टिकट को बुक आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर नहीं कर सकते हो, ना ही ट्रेन के अंदर जाके कर सकते हो, ना ही रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन, ट्रेन से या फिर रेलवे ट्रैक से बाहर आके बुक करना होता है। तो इस टिकट को बुक करने के लिए ये कंस्ट्रेंट इसीलिए है क्योंकि लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि टीटी को देखा और फटाक से मोबाइल में बुकिंग कर लिया, या फिर ट्रेन में बिना टिकट के जर्नी कर रहे, जैसे ही आदमी ने टीटी को देखा तुरंत मोबाइल से टिकट बुक कर लिया, तो ये गलत होगा। इसीलिए इस टिकट को बुक करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना होगा, ट्रेन से बाहर निकलना होगा, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना होगा। इसीलिए इस टिकट को बुक करने के लिए आपको GPS का एक्सेस देना होता है ताकि रेलवे टीम देख सके कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर हो और आपको टिकट बुकिंग का ऑप्शन मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिपार्चर स्टेशन और गोइंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, अर्थात आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हो। और एक चीज़ यहाँ पे आपको और पता होना चाहिए कि आप केवल अपने आसपास के स्टेशन में टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास के जो भी स्टेशन हैं वो दिख जाते हैं, मैं यहाँ पे एक स्टेशन चूज़ कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए अलवर, और यहाँ पे मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ वो स्टेशन यहाँ पे टाइप कर दूंगा। डिपार्चर और डेस्टिनेशन स्टेशन चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। यहाँ पे मैं पेपरलेस टिकट बुकिंग कर रहा, अर्थात मुझे फिजिकल टिकट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगी स्टेशन पे जा करके। यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं आपके साथ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन टाइप मिलता है, यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलता है चूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट। जैसा कि मैंने आपको वेयर इज माई ट्रेन में देखना सिखाया है, आप देख लोगे कि आप किस ट्रेन में जर्नी करने वाले हो, वो ट्रेन सुपर फास्ट है या फिर एक्सप्रेस है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे। सुपर फास्ट होती है तो उसका कम स्टॉपेज होता है, वो जल्दी आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है, और सुपर फास्ट ट्रेन का फेयर भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको देख लेना है कि किस ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं और आपने सुपर फास्ट का टिकट बुक कर लिया है और आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ गया है। तो आपको ट्रेन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, क्लास यहाँ पे सेकेंड चूज़ किया हुआ रहेगा, और पेमेंट में आप जो भी पेमेंट मेथड चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने शुरू शुरू में बताया था कि आप आर वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो, इस आर वॉलेट में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ID कार्ड डिटेल डालना होता है,
और उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से और वॉलेट में पैसे डाल सकते हो। यहाँ पर मैं किसी और पेमेंट मेथड से पे करना चाहता हूँ इस टिकट के लिए, तो यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लूँगा, पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। पेमेंट गेटवे मैंने चूज़ कर लिया, गेट फेयर पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ओवरऑल पेमेंट दिख जाएगा कितना करना है, टोटल फेयर। यहाँ पर आपको बुक टिकट पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए तीन ऑप्शन मिलता है, पेटीएम, मूवी क्विक और फ्री चार्ज। मैं पेटीएम चूज़ कर लेता हूँ और मेक पेमेंट पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आप पेमेंट करने के लिए पेटीएम अकाउंट से, UPI अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, इन चीज़ों से भी पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हो ये डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करके। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल इंटर करने होते हैं। यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग से मान लो पेमेंट करना चाहता हूँ, नेट बैंकिंग चूज़ कर लेता हूँ। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मेरा SBI में अकाउंट है तो मैं SBI चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पे पे टैप करना है। यहाँ पर मैं अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन पर टैप करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म पर टैप कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है, वो OTP इंटर करना होगा। देख सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भेजा गया है, मैं OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करके कन्फर्म पे टैप करना है और इस तरह से मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पे पेज को क्लोज नहीं करना है और आपको वेट करना है, अन्यथा आपका टिकट बुकिंग प्रोसेस कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा ट्रेन टिकट बुकिंग हो चुका है और यहाँ मुझे टिकट डिटेल मिल जाता है। और चूंकि टिकट डिटेल में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें नहीं होती है तो इस टिकट को कोई भी यूज़ कर सकता है, तो इसी को रोकने के लिए रेलवे ने इसका स्क्रीनशॉट लेने का एक्सेस नहीं दिया है। बाकी आप इस टिकट को ऑफलाइन भी, जब आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा होगा, तो ये ऐप ओपन करके TT को शो कर सकते हो ये टिकट डिटेल, और आप बता सकते हो कि आपने टिकट बुकिंग की है, वो भी पेपरलेस वाला। बाकी अगर आपने पेपर वाला किया होता तो आपको टिकट का प्रिंट निकालना होता और प्रिंटेड टिकट दिखाना होता। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद मशीन होता है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से आपको प्रिंट निकालना होता है। तो ये पेपरलेस वाला है तो मुझे प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाता है कि टिकट बुक करने के बाद within 3 hours आपको जर्नी स्टार्ट कर देना है। अर्थात अभी मैंने टिकट बुक किया है तो within 3 hours मुझे किसी भी ट्रेन को पकड़ के जर्नी स्टार्ट कर देना है रेलवे स्टेशन पे जाके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस टिकट का कैंसिलेशन भी नहीं होता है। अगर आपने प्रिंटेड वाला ऑप्शन चूज़ किया होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, वो भी टिकट का प्रिंट निकालने से पहले तक, और टिकट का प्रिंट आप रेलवे स्टेशन पर निकालते। यहाँ पर आप चाहो तो नेक्स्ट ट्रेन भी देख सकते हो, अर्थात आपके बोर्डिंग स्टेशन से आपको टिकट भी शो कर दिया जाता है कि अगला ट्रेन कौन सा आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे ट्रेन शो कर दिया जाता है, अर्थात इस ट्रेन में मैं जर्नी कर सकता हूँ। बैक कर लेना है, फिर से इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आता है। अब आप चाहो तो जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और जर्नी के दौरान अगर आपको TT टिकट दिखाने को बोलता है तो यहाँ पे आप शो टिकट पे टैप करोगे और यहाँ से आप टिकट को दिखा सकते हो।